दरभंगा बाजार में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया 5 से होगी शुरू। कैपिटल ऑफ डायबिटीज बन रहा भारत, डॉक्टर बीबी शाही। प्राथमिक शिक्षा निदेशक को लिखा पत्र। समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के ऑनलाइन वर्ग आज से। अध्यक्ष प्रतिनिधियों का किया गया मनोनयन। मांग पूरा नहीं होने पर होगा उग्र आंदोलन नट पर। बिरौल में कोरोना मरीज की बढ़ने लगी है संख्या। बाली शराब के साथ मधुबनी के 6 धड़ाए। छात्र राजद नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बसों से लंबी यात्रा करने को मजबूर है यात्री व प्रवासी। अब खबर विस्तार से। शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया 5 से होगी शुरू। जिले में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू होगी। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित मूल प्रमाण पत्रों यथा मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण अंक पत्र प्राप्त किए जाएंगे। काउंसलिंग के अगले दिन नियोजन इकाई से चयनित अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र स्थापना DPO को उपलब्ध कराया जाएगा। स्थापना DPO सभी प्रमाण पत्रों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तथा सत्यापन सक्षम पदाधिकारी से कराया जाएगा। सत्यापन के बाद नियोजन इकाई की ओर से अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के आधार पर एक से अधिक नियोजन इकाई में नियोजन का प्रयास किया जाएगा तो उनका दावा सभी नियोजन इकाइयों के लिए रद्द किया जाएगा। शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव संजय कुमार काउंसलिंग स्थल पर COVID-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने की बात भी पूर्व में कह चुके हैं। जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त नहीं किया गया है उसमें पूर्व से तैयार मेगा सूची का अनुमोदन नवगठित प्रमाशी समिति द्वारा किया जाएगा। अनुमोदित मेगा सूची के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के साथ काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। नगर निकाय अंतर्गत अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 5 जुलाई से जिला मुख्यालय में होगी। कैपिटल ऑफ डायबिटीज बन रहा भारत, डॉक्टर बीबी शाही। भारत में मधुमेह रोगियों की निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है जिसमें युवा भी शामिल हो रहे हैं। मधुमेह लाइलाज बीमारी है जो अनेक अन्य बीमारियों का घर है। संगीत एवं योग को अपनाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मधुमेह रोगी हमेशा चिंता व तनावग्रस्त रहते हैं जिन्हें संगीत मानसिक शांति प्रदान कर उनके मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। ये बातें रविवार को लनामी विवि के ललित कला संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर कुसुम नारायण ने कही। वे भारत विकास परिषद की भारती मंडन शाखा दरभंगा तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में मधुमेह जागृति दिवस पर मधुमेह की समस्या और निदान व्यसक ऑनलाइन विचार गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए विचार व्यक्त कर रहे थे। IMA दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर बीबी शाही ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि दुनिया के 1/3 मधुमेह मरीज भारत में रहते हैं, इसलिए भारत को कैपिटल ऑफ मधुमेह कहा जाता है। COVID-19 सहित अन्य रोगों का प्रभाव मधुमेह ग्रसित व्यक्तियों पर अत्यधिक पड़ता है। यह वसना गुत तथा गलत खान पान व दिनचर्या के कारण उत्पन्न रोग है जो किडनी को भी प्रभावित करता है। मुख्य वक्ता योगाचार्य RB ठाकुर ने कहा कि मधुमेह घुसपैठिया और आतंकी बीमारी है। मधुमेह रोगी को सामान्य व्यक्ति के तुलना में 4 गुना अधिक हर्ट का खतरा बढ़ाता है। मधुमेह जीवन भर बना रहता है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक को लिखा पत्र। नगर प्राथमिक शिक्षा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव कुमार ठाकुर ने शनिवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक को एक ईमेल भेजा है। इसमें उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निगम अंतर्गत वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र जांच को पोर्टल पर अपलोड करने में होने वाली है, कुछ समस्याओं का निदान हो गया है परंतु अभी भी कुछ समस्या यथावत है, इसका समाधान करने की मांग की गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि मेगा क्रमांक, मेगा सूची, अनुकंपा व DLED में 2011 तक दिखाना है आदि में सुधारा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ समस्या है जिसे जैसे रजिस्ट्रेशन के समय दरभंगा नगर निगम या वार्ड नहीं दिखा रहा है। NIAOS से जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनके पास रोल कोड पर सेंटर का नाम अल्फाबेट में लिखा है परंतु उसमें संख्या में मांग की जा रही है। कुछ शिक्षक को जो उच्च न्यायालय तथा प्राधिकारियों से नियुक्त है उनकी अभी दक्षता नहीं हुई है। वेटेज में नो का ऑप्शन करने पर भी अनुभव प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है तथा इसकी अनिवार्यता रखी गई है। पूर्व में जो अंतर स्नातक या स्नातक किए हैं
उनके मार्कशीट पर रोल कोड अल्फाबेट में है परंतु अंक में मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर प्राथमिक शिक्षक संघ के माध्यम से 25 जून को भी ईमेल किया गया था। इसका जवाब आया कि मेगा क्रमांक की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है, पुनः बाकी समस्याओं के लिए ईमेल किया गया है जिससे शिक्षकों को का फोल्डर समय से वेब पोर्टल पर लोड हो सके। समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के ऑनलाइन वर्ग आपसे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में 28 जून को 2 बजे स्नातक तृतीय खंड समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्गों का उद्घाटन प्रति कुलपति प्रोफेसर डोले सिन्हा करेगी। इस अवसर पर विकास पदाधिकारी प्रोफेसर के साहू एवं प्रोफेसर चंद्र भानु प्रसाद सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन के बाद एक एक घंटे के 2 वर्ग संचालित होंगे। केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्ग प्रत्येक कार्य दिवस में आगामी 17 जुलाई तक अपराह्न 2 से 3 और 3 से 4 बजे तक संचालित होंगे। इस दौरान कुल 36 वर्ग संचालित होंगे। विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षक के अध्यापन से छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। सभी आगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं महाविद्यालय समाजशास्त्र विभाग अध्यक्षों के अनुरोध किया गया है कि वे छात्र छात्राओं को इस केंद्रीकृत ऑनलाइन अध्यापन से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। महाविद्यालय स्तरीय अध्यापन के अतिरिक्त यह व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष प्रतिनिधियों का किया गया मनोनयन। डीईओ डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह ने जाले विधानसभा क्षेत्र के उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक 40 विद्यालयों के प्रबंध समितियों के अध्यक्ष प्रतिनिधियों की अधिसूचना रविवार को जारी कर दी थी। विधायक सहश्रम संसाधन एवं आईटी विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने जाले विधानसभा क्षेत्र के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर शिक्षण व्यवस्था संचालन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष के लिए अपने प्रतिनिधियों के नामों की अनुशंसा दरभंगा की डीओ से की थी। डीओ कार्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार जाले प्रखंड क्षेत्र के उमा विद्यालय अहियार गोड में विमल कुमार यादव ठाकुर, विद्येश्वर शर्मा उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्रह्मपुर में राजमंगल ठाकुर, उमा विद्यालय वसंत में धर्मगाज कुमार झा, उमा विद्यालय काजी बहेरा में शरवण कुमार चौधरी, उमा विद्यालय मुरैठा में ब्रिज मोहन ठाकुर, श्री राम जी प्रिया प्लस टू उच्च विद्यालय योगियारा में दिग्विजय नारायण सिंह, जेएम प्लस टू उच्च विद्यालय कामतौल में अजत कुमार, राम श्रृंगाड़ी कन्या प्लस टू उच्च विद्यालय कामतौल में उमेश कुमार सिंह, उमा विद्यालय जहांगीर टोल में विजय शाह, उमा विद्यालय बंधौली में मुकेश कुमार सिंह, उत्क्रमित उच्च विद्यालय राठी कन्या में रामलाला कुशवाहा, उत्क्रमित माध्यमिक बिहारी में राघवेंद्र प्रसाद सिंह, उत्क्रमित मध्य विद्यालय करबा उर्दू में विनय कुमार, उत्क्रमित उच्च विद्यालय मशरापुर में शशिभूषण प्रसाद, उत्क्रमित उच्च विद्यालय अहियार में शौलेंद्र ठाकुर, उत्क्रमित उच्च विद्यालय तैतला में अंजनी निषाद, सिंहवाड़ा अनुसूचित में कृष्ण कुमार झा को अध्यक्ष का प्रतिनिधियों मनोनीत किया गया है। डीओ ने सभी ऐसे विद्यालयों को प्रधानाध्यापकों को मनोनीत अध्यक्ष प्रतिनिधियों से संपर्क कर विद्यालय प्रबंध समिति का गठन कर लेने का निर्देश दिया। वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए न्यूज वीडियो लाते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज आप देख सके। मांग पूरा नहीं होने पर होगा उग्र आंदोलन नटवर। प्रखंड मुख्यालय के सभागार में TPSS की बैठक रविवार को प्रखंड अध्यक्ष नटवर चौधरी की अध्यक्षता में हुई। नटवर चौधरी ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि सरकार की मंशा हमेशा की शिक्षकों को परेशान करने की रही है। स्थानांतरण के नाम पर भी शिक्षकों के साथ छल की हुई है। इतनी जटिल प्रक्रिया में शिक्षकों का स्थानांतरण न के बराबर होगा। ओम प्रकाश झा ने कहा कि शिक्षकों का EPF को KYC अपडेट सभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण कई शिक्षकों को फोल्डर जमा करने में परेशानी हो रही है। इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही TAT शिक्षकों को अन्य राज्यों की भांति सुविधाओं का लाभ राज्य सरकार दें, अन्यथा संघ आंदोलन को बाध्य होगा। संघ के अध्यक्ष विशेव यादव ने कहा कि सरकार शिक्षकों की 15% वृद्धि पर टोल मटोल कर रवैया अपना रही है, इसका विरोध किया जाएगा। संघ के सदस्य दुर्गा प्रसाद राय ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षक न जाने की बाजी लगाकर हर कार्य को किया, लेकिन शिक्षकों की समस्या का निदान आज तक नहीं हो पाया। दुर्भाग्यपूर्ण
उपाध्यक्ष संतोष झा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध जारी रहेगी और संघ शिक्षकों के हितों के खिलाफ किसी भी कदम को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बैठक में आशुतोष कुमार झा, दीपक झा, प्रमोद कुमार, रोशन चौधरी, मनोज कुमार, उदय राय, विनय कुमार, चंदन भारती, सतीश झा सहित दर्जनों शिक्षकों उपस्थित थे। बिरौल में कोरोना मरीज की बढ़ने लगी है संख्या। प्रखंड क्षेत्र में कोविड 19 के पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़ने लगी है। शुक्रवार को हुई जांच के दौरान एक पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रखंड क्षेत्र में 3 एक्टिव मरीज हो गए हैं। सभी मरीजों का इलाज स्थानीय चिकित्सक की देखरेख में हो क्वारंटीन में किया जा रहा है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के अनुसार डुमरी गांव का एक मरीज मुंबई से आया था, उसकी जांच दरभंगा एयरपोर्ट पर करने पर वह पॉजिटिव पाया गया था। वही हनुमान नगर के एक युवक पॉजिटिव मिला था। उन्होंने बताया कि गुरुवार को 194 लोगों की जांच में एक 25 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई। सीएचसी के लिए गए डाटा के अनुसार प्रखंड क्षेत्र में कोरोना काल के दौरान बिरौल सीएचसी की ओर से की गई जांच में सभी 26 पंचायतों में लगभग 160 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें 3 एक्टिव मरीज को छोड़कर सभी मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। इसके अलावा क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत कोरोना से हुई है। उनके संक्रमण की पुष्टि अन्य अस्पतालों में हुई थी। नेपाली शराब के साथ मधुबनी के 6 धड़ाए। सदर थाने की पुलिस ने मद निषेध विभाग की टीम के साथ छापेमारी कर छपकी घटिया रोड से भारी मात्रा में नेपाली शराब जब्त की है। वही शराब तस्करी में शामिल मधुबनी के 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों ने मधुबनी जिले के ललमनिया थाना क्षेत्र के मानी बेलहट निवासी कृष्णा कुमार यादव, लदनिया थाना क्षेत्र के गजहरा गांव निवासी अजय कुमार कामत, झंझारपुर थाना क्षेत्र के मछावड़ा गांव निवासी रोशन कुमार गुप्ता, झंझारपुर निवासी विकी कुमार चौधरी, लौकेही थाना क्षेत्र के तौर हरिया गांव निवासी विनोद कुमार यादव, वैसी थाना क्षेत्र के मरीपुर गांव निवासी शत्रुघ्न यादव शामिल है। सदर थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह ने बताया कि शराब तस्करी में शामिल 2 स्कॉर्पियो गाड़ी, 1 टाटा टियागो गाड़ी, 1 मारुति डिजायर व स्कूटी भी जब्त किया गया है। सभी गाड़ियों की डिक्की में रखी हुई 10 बोरियों में नेपाली गौरव शाफी देश शराब 300 ml की 960 बोतल जब्त की गई है। 21,800 रुपये भी बरामद किए गए हैं। छात्र राजद नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। एसटीईटी रिजल्ट में धांधली के विरोध में छात्र राजद की जिला इकाई व प्रमंडलीय इकाई ने रविवार को अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया। छात्र राजद जिला अध्यक्ष प्रवीण यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट से आक्रोश मोर्चा निकालकर लहरियासराय टावर पर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षा परिणाम में व्यापक पैमाने पर हुई है, इस पर राज्य सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने पूछा कि एसटीईटी 2019 के परीक्षा परिणाम में कुल सीट से कम रिजल्ट, उसके बावजूद मेरिट लिस्ट क्यों? एक ही परीक्षा परिणाम को 4 महीने के अंदर एवं शेष 3 विषयों का परीक्षा परिणाम आने के बाद मेरिट लिस्ट और नॉन मेरिट वाले अभ्यर्थियों की सूची एक साथ क्यों नहीं? जब मेरिट के अनुसार रिजल्ट तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शिक्षा कोटिवार एवं विषयवार क्यों नहीं? वक्ताओं ने कहा कि मेरिट का खेल बंद करते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति की गारंटी करो। बसों से लंबी यात्रा करने को मजबूर है यात्री व प्रवासी। कोरोना काल में नियमित ट्रेनों को एहतियातन बंद कर दिया गया है, इस वजह से लोग बसों से सफर कर रहे हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। संक्रमण के खतरे की अनदेखी कर बसों में ठूंस ठूंस कर यात्रियों को ले जाया जा रहा है, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस दिशा में स्थानीय प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।